لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وجود زلجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل علماء کرام مراجعین عظام شیعیان حیدر صفدر آپ سب اپنی سلامتی و اہل خانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ادا فرمائیں پانچویں امام اپنے نورانی کلمات کے ذریعے فرماتے ہیں اکثر الدعاء لتعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم یقیناً ہر انسان ہر بشر کہیں نہ کہیں پریشان ہوتا ہے کہیں نہ کہیں مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے حضرت نے ایک کلی اور جامع دعا کی نصیحت فرمائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں امام زمانہ کے فرج کے لیے کرو ایک استاد محترم اسی جملے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہیں پیسے کی ضرورت ہو مصلی پہ بیٹھو امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں پریشان ہو مصلی پہ بیٹھو امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو دعا
दुनिया में जिस परेशानी में मुबतला हो उस परेशानी को भूल के मुसल्ले पे बैठ के इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए दुआ करो, क्योंकि हज़रत फरमाते हैं अक्सरु दुआ लितअजीलिल फरज फइन्ना ज़ालिका फरजुकुम, ज़्यादा से ज़्यादा इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए दुआ करो, गुशाइश के लिए दुआ करो, क्योंकि इमाम ज़माना की गुशाइश में तुम्हारी गुशाइश है, इमाम ज़माना की गुशाइश में तुम्हारी गुशाइश है। इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद जितनी भी मुश्किलात और जितनी भी परेशानियों में मुबतला हो, खुद ब खुद ये तमाम परेशानियाँ तुमसे रफा व दफा हो जाएंगी। इमाम ज़माना के लिए अक्सर दुआएं की जाएं। हम जितनी भी मजलिसें पढ़ रहे हैं, कल हमने जो मौजू रखा अबुल फ़ज़्ल अब्बास, मौला अबुल फ़ज़्ल अब्बास की तारीफ़ों का राज क्या है, मौला अबुल फ़ज़्ल अब्बास को ये जो इतना बड़ा मकाम मिला, इतना बड़ा मर्तबा मिला कि छठे इमाम गवाही दें कि हम गवाही दे रहे हैं आपने वो वादा जो किया था उस वादे को निभाया, अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, आपने अपने आप को सरेंडर किया, आपका मर्तबा ये है, इतना बड़ा मर्तबा खुदा आपको देगा कि शुहदा आपके मर्तबे को देख कर रश्क करेंगे। शुहदा यानी जनाब हमजा, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। ये जितना भी मकाम अहले बैत अतहार की बाज शख्सियात को अता हुआ है उसका असल राज और हदफ क्या है, मौला अब्बास का ये जो इतना बड़ा मकाम है किस वजह से मौला अब्बास को इतना बड़ा मकाम मिला है। अगर कल की पूरी मजलिस का खुलासा किया जाए तो मौला अब्बास का इतना बड़ा मकाम सिर्फ इस वजह से था क्योंकि मौला अब्बास ने अपने जमाने के इमाम को बखूबी पहचाना था, अपने जमाने के इमाम की मारिफत अबुल फ़ज़्ल अब्बास रखते थे। अब जाहिर सी बात है किसी का मर्तबा और किसी का मकाम मौला अब्बास जैसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन इससे इबरत ले सकते हैं कि अगर आप अपने जमाने के इमाम की मारिफत हासिल करेंगे तो आपका मर्तबा खुदा के नजदीक बुलंदो बाला होता चला जाएगा। और इस दौर में कि जहां कोई साहब मौला की खिदमत में आए और आने के बाद पूछा कि हजरत का नाम कायम क्यों है, हजरत ने फरमाया لأنه يقوم بعد موت ذكره, कि हजरत का नाम कायम इसलिए है क्योंकि वो उस वक्त जहूर फरमाएंगे जब उनका जिक्र मर चुका होगा, उनका जिक्र खत्म हो चुका होगा। कहीं ना कहीं माजरत के साथ ये मैं एक जालिब नुक्ते की तरफ इशारा करूंगा, जैसा कि मैंने कल आप हजरात के सामने एक मौजू रखा था मौजू इल्म, और मैंने वादा ये किया था कि आज अबुल फ़ज़्ल अब्बास के इल्म के हवाले से गुफ्तगू हुई है और कल जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इल्म व मारिफत के हवाले से गुफ्तगू होगी। मैं इंशाल्लाह उस वादे को पूरा करूंगा, लेकिन उस वादे को पूरा करने से पहले एक छोटा सा वो दोनों शख्सियात में पाई जाने वाली सिफात की तरफ एक छोटी सी रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम ज़माना पर हम सब का अकीदा है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। माइक जैसा था वैसे ही कर दें, इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर दें। एक और सलावात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। खुलासा, हम इमाम ज़माना के दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये भी हमें पता है कि जनाब ज़ैनब की शख्सियत अगर इतनी बुलंदोबाला है तो उसका राज ये है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा अपने ज़माने के इमाम को बखूबी जानती थी और पहचानती थी, और इस हद तक जानती और पहचानती थी कि सगे बेटों के लाशें ज़ैनब की नज़रों के सामने रखे रहे, अपने बेटों को अहमियत नहीं दी हुसैन के जनाजे के सामने। बहुत कीमती जुमला आप हजरात के सामने अर्ज कर रहा हूं, अपने बेटों के लाशों को अहमियत नहीं दी। बाकायदा ये रिवायात के जुमले हैं, इन्हीं गुनहगार आंखों से पड़ी हुई रिवायत है कि ज़ैनब कुबरा ने अपने बेटों पे गिरिया नहीं किया। जब ये मदीना पहुंची तो जनाब अब्दुल्ला ने सवाल किया कि मैंने सुना है कि आपने अपने बेटों पर गिरिया नहीं किया, फिर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने इल्लत बयान की, यानी इमामत के मुकाबले में तमाम चीजों को कुर्बान करना, यह है सीरत ज़ैनबी।
इमामत के मुकाबले में, इमाम जमान के मुकाबले में, कहीं ना कहीं माजरत के साथ जरा अपने अपने विजदान की तरफ देखिए, कहीं ना कहीं क्या हमें ये महसूस नहीं होता कि इमाम जमाना के हवाले से हम अकीदे तातील की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अकीदे तातील यानी क्या? तातील कहते हैं अरबी में छुट्टी को, हॉलीडे। क्या हमें और आपको महसूस नहीं हो रहा है? मुझे तो थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, हर इंसान अपने बारे में बेहतर जानता है। मुझे नहीं पता है दिन में आप इमाम जमाना को कितनी मरतबा याद करते हैं, हफ्ते में कितनी मरतबा याद करते हैं, महीने में कितनी मरतबा याद करते हैं। मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूं, मैं अपना नजरिया बयान कर रहा हूं। मुझे खुद ऐसा एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हम इमाम जमाना के तातील के अकीदे के कायल होते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इमाम जमाना तो गायब है, इमाम जमाना तो है ही नहीं, इमाम जमाना का तो वजूद ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्द बिअहलिहा, अगर हुज्जत खुदा जमीन पर ना होती तो ये जमीन अपने अहल के साथ धस जाती, अपने अहल के साथ धस जाती। इमाम जमाना का वजूद है, मुंतहा उस वजूद को महसूस करने की कोशिश करो। मौला ने फरमाया हर दौर में अल्लाह की हुज्जत का होना जरूरी है, इम्मा ज़ाहिरुम मशहूर औ ग़ाइबुम मस्तूर, या अल्लाह की हुज्जत जाहिर है पोशीदा है, जाहिर है, या फिर अल्लाह की हुज्जत ग़ाइब है मस्तूर है पोशीदा है। ठीक है, मौला अली के जमाने में हुज्जत खुदा थी, खुद अली इब्न अबी तालिब अल्लाह की हुज्जत थे, लोग उनके पास जाते थे और अपने मसाइल पेश करते थे, उनका हल तलब करते थे। साइल ने मौला से सवाल किया कि मौला जब अल्लाह की हुज्जत जाहिर होगी मशहूर होगी तो हम उससे इस्तफादा करेंगे, लेकिन فكيف ينتفعون الناس بالحجة الغائب المستور, लेकिन जब अल्लाह की हुज्जत पोशीदा होगी गायब होगी तो लोग उससे इस्तफादा कैसे करेंगे? क्या ये अकीदा लेके बैठ जाएंगे इमाम जमाना का कोई वजूद कोई असर है नहीं, या फिर इमाम जमाना का इंतजार करें, इमाम जमाना को रोज याद करें और इमाम जमाना की हुज्जियत के कायल रहें, इमाम जमाना की बयात में रहें, या ये अकीदा रखें या वो अकीदे तातील रखें? फकैफ यंतफिउन अन्नास बिलहुज्जतिल गाइबिल मस्तूर, हजरत ने मिसाल दी, हजरत ने फरमाया कमा यंतफिउन अन्नास बिशम्स इज़ा सतरहा सहाब, के इमाम जमाना गायब, ये जो तुमने अकीदे गैबत अपने जहनों के मुताबिक बयान किया है या बनाया है, उस अकीदे में और इस अकीदे में जमीन आसमान का फर्क है। हजरत फरमाते हैं ठीक इमाम जमाना की गैबत में इमाम जमाना के वजूद से उसी तरह इस्तफादा होगा जिस तरह सूरज से इस्तफादा होता है जब सूरज को बादल घेर लेते हैं। जुमलों पे गौर करें, हदीस के जुमले, कि इमाम जमाना के वजूद से ठीक वैसे ही इस्तफादा होगा जिस तरह सूरज के सामने बादल आ जाने के बाद सूरज से इस्तफादा होता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा इसको वाजे करूं, दिन के 12 या 1 बजे जब बादल के सूरज के सामने बादल आ जाए तो क्या सूरज अपनी रोशनी नहीं पहुंचाता? मिसाल भाई, छठे इमाम की मिसाल है, मिसाल दी है कि इमाम जमाना की गैबत कुबरा में मिसाल वैसी ही है जैसे सूरज को बादल घेर ले। क्यों इमाम ने मिसाल दी? उसकी कई इल्लतें और कई वजूहात है। पहली इल्लत यह है कि अगरचे सूरज के सामने बादल आ गए लेकिन जितनी रोशनी की लोगों को जरूरत है उतनी रोशनी सूरज पहुंचाता रहेगा। अगरचे इमाम जमाना गैबत कुबरा में हैं लेकिन तुम्हारी हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। तुम्हारी हिफाजत तुम क्या समझ रहे हो? तुम क्या समझ रहे हो? हम जो शियान हैदर सफदर जिंदा हैं, हम शियान सहीदर सफदर इज्जत व आबरू के साथ इस पूरी दुनिया में नाम अली ले रहे हैं, आपको नहीं लगता कोई ताकत है जो गैब से हमारी मदद कर रही है? मौला फरमाते इन्ना गैर मुहमिलीन लिमुराआतकुम, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी मुराआत से गाफिल हैं? ये इमाम जमाना के जुमले कि हम तुम्हारे ख्याल से गाफिल नहीं हैं, अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें चीर फाड़ डालता। ये इमाम जमाना के जुमले हैं। एक इल्लत ये जिसकी वजह से इमाम की मिसाल सूरज के मानिंद दी गई। दूसरी इल्लत, हर वो इंसान के जिसकी आंखें होंगी वो सूरज के निकलने का इंतजार करेगा क्योंकि वो रोशनी को महसूस कर सकता है।
अब मुझे समझ में आया कि इमाम ज़माना की मिसाल सूरज के मानिंद क्यों दी गई। हर वो इंसान के जिसकी आंखें होंगी, बीनाई होंगी, वो सूरज के निकलने का इंतज़ार करेगा, लेकिन जो अंधा होगा उसके लिए सूरज का होना और ना होना बराबर। अब समझ में आई वो बात जो हज़रत ने फरमाया कि इमाम ज़माना की मिसाल ठीक सूरज के मानिंद है जब सूरज को बादल घेर लें। मतलब ये है कि ज़माने गैबत में इमाम ज़माना का इंतज़ार वही करेगा कि जिसकी दिल की आंखें सलामत हों, लेकिन जो अंधे होंगे उनके लिए इमाम का होना ना होना बराबर होगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। खुलासा इन चंद बातों से, इस मुकदमाती गुफ्तगू से दो चार बातें जो बच्चों की खिदमत में सामने आईं वो ये कि इमाम ज़माना पे अकीदे को मजबूत करो, इमामत के अकीदे को मजबूत करो। इमामत के अकीदे को मजबूत नहीं करोगे तो याद रखो जिस तरह हर दौर की कहानियां हम मिंबरों से बयान करते थे और मिंबरों से बयान करते हैं कि जनाबे वाला मौला अली के ज़माने का फितना क्या था, इमामत को छोड़ना। इमाम हसन मुश्तबा के ज़माने का फितना क्या था, इमाम ज़मान को धोखा देना। इमाम हुसैन के ज़माने का फितना क्या था, इमाम हुसैन को धोखा देना। इमाम सज्जाद के ज़माने का फितना क्या था, इमामत को धोखा देना। ऐसा ना हो कि जिस तरह से अभी हम 9 और 11 इमामों के अदवार को पढ़ते चले आ रहे हैं हमें भी इसी तरह से पढ़ा जाए। तो खुलासा इमाम ज़माना पे तवज्जो, अकीदे तातील ख़त्म किया जाए। यही वजह है कि हमें दुआओं की तालीम दी गई है, दुआए अहद हमें बताई जाती है। गोया हम सुबह सुबह क्या कहते हैं, इन्नी उजद्दिदु बैअती, ये है जो सुबह सुबह हम कहते हैं कि हम तजदीद बैअत करते हैं। यहाँ इमाम ज़माना हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्यों कहा जाता है, ताकि इमामत से आप मुत्तसिल रहें, मुतमस्सिक रहें। इसी तरीके से दुआए ज़मनुल ग़ैबा आप कभी पढ़ें, दुआए ज़मनुल ग़ैबा के जुमलात देखें। बाकायदा हम खुदा से कहते हैं ऐ मेरे परवरदिगार, इमाम ज़माना की ग़ैबत के तूलानी होने से हमारे यकीन को ज़ाइल ना होने देना, इमाम ज़माना की गैबत तूलानी होने से। तो खुलासा अकीदे तातील को ख़त्म कीजिए, इमाम ज़माना के लिए कसरत से दुआएं कीजिए। जो जो ज़्यारतें, वो जो सलाम, वो जो इस्तगासे इमाम ज़माना के हवाले से वारिद हुए हैं उन इस्तगासात को पढ़ा जाए, उन दुआओं को पढ़ा जाए। और दुआए अहद जो हर सुबह एक तरीके से तजदीद बैत है इमाम ज़माना के लिए, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें तो शायद मज़ीद मफाहीम और मतालिब और इमाम ज़माना से तमस्सुक बढ़ता चला जाएगा। आप सब अपनी सलामती और इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए बाबा से बुलंद सलावत अदा फरमाएं। اللهم صل على محمد وعلى कल जो हजरात मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, एक मुख्तसर गुफ्तगू इल्म बाबुल हवाइज के हवाले से हुई। खुदावंद मुताल अपनी बेहतरीन किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तिलकर रसुलो फद्दलना बअज़हुम अला बअज़, ये जो रसुल हैं, ये जो अम्बिया हैं, इनमें हमने सबको बराबर नहीं रखा, बाज को बाज पर फौकियत दी, बाज को बाज पर अफजलियत और फौकियत अता की। इस आयत के जरिए हमें एक कायदा और कानून ये मिल गया, ना ही कोई नबी एक जैसा है, एक बराबर है, ना ही अस्हाब हुसैनी एक बराबर हैं। किसी भी फील्ड में जाएंगे तो सारी चीज़ें एक बराबर नहीं होंगी। बाज को अल्लाह ने बाज पे फौकियत दी, उस फौकियत का मेयार अगर कुरान मजीद में तलाश करेंगे तो इसी कुरान मजीद में खुदावंद मुताल एक मकाम पे फरमाता है, वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा। हम जो कहते हैं कि खुदावंद मुताल ने मलाइका को हुक्म दिया कि वो आदम के लिए सजदा करें, सजदा करवाने का मेयार भी खुदावंद मुताल ने इसी कुरान में अल्फाज के जरिए बयान फरमाया,
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. خداوند متعال نے جناب آدم کو کچھ اسماء کی تعلیم دی اور پھر وہی اسماء ملائکہ کے سامنے پیش کیے اور ملائکہ سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ یہ کون سے اسماء ہیں، ان کے بارے میں مجھے بتاؤ، خبر دو. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے پروردگارا ہمیں ان اسماء کی معلومات نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا. مطلب یہ جو تو نے ہمیں سکھایا اور وہ جو تو نے آدم کو دیا، ان دونوں میں بہت فرق ہے، ہمارا علم لمیٹڈ ہے آدم کے مقابلے میں. خلاصہ خداوند متعال نے اسی شے کو معیار بنایا، بس ملائکہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ یہ ذہن میں نہ آئے کہ بس کیونکہ خدا چاہتا تھا اور خدا نے آدم کے لیے سجدہ کروا دیا، اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے خداوند متعال نے بعنوان مثال ملائکہ کے سامنے یہ توجیہ پیش کی کہ دیکھو تمہارے پاس علم کم ہے اور آدم کے پاس علم زیادہ ہے، کیونکہ آدم کو ہم نے اسماء کا علم عطا کیا جو تمہارے پاس نہیں ہے. اسی چیز کو کہا جاتا ہے علم لدنی، علم لدنی یعنی وہ علوم جو مستقیم خداوند متعال کی طرف سے کسی کو عطا کیے جائیں. قرآن مجید میں جناب خضر اور جناب موسیٰ کے واقعے کی طرف جب آپ توجہ کریں گے تو ایک جملہ موجود ہے، ایک آیت موجود ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، خضر کو ہم نے اپنے پاس سے سکھایا. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ علم لدنی. ٹھیک ہے، علم لدنی کی تعریف کیا ہے؟ علم لدنی کی تعریف یعنی وہ علوم جو خداوند متعال کی طرف سے مستقیم عطا کیے جائیں اسے کہا جاتا ہے علم لدنی. اچھا ہماری زبان میں اگر اس کی تعریف کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علوم جو کسی سے سیکھے یا کسب نہ کیے جائے، کسی استاد کے پاس نہ جایا جائے، کسی مکتب نہ جایا جائے، کسی مدرس کے پاس نہ جایا جائے، تو اسے بھی آپ علم لدنی کہہ سکتے ہیں. میں جناب زینب کبریٰ کا مقام سمجھانے سے پہلے یہ کچھ چند مقدماتی الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں تاکہ آئندہ آنے والی بحثیں آسان ہو سکے بچوں کے لیے بھی. جناب خضر کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا. دوسری طرف آدم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اسماء آدم کو سکھائے، تعلیم دیئے. مطلب ان تمام شخصیات کے پاس علم، علم لدنی تھا. اب آتے چوتھے امام کی خدمت میں. چوتھے امام امام معصوم عن الخطا، خود علم لدنی کے مالک. اب اگر کوئی امام کسی کے بارے میں گواہی دے، ایک معصوم امام جو خود علم لدنی کا مالک ہے، وہ امام اگر کسی کی شان میں یا کسی شخصیت کے بارے میں گواہی دے تو اس گواہی کا مرتبہ اور اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اب آتے دیکھتے ہیں امام سجاد کیا فرماتے ہیں. امام سید سجاد اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے فرماتے ہیں انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ الحمدللہ ایک ایسی عالمہ ہیں جو کسی کے پاس سیکھنے نہیں گئی، ایسی سمجھدار ہے کہ جس نے سمجھ کو کسی سے سمجھا نہیں. یہ گواہی ہے امام زین العابدین کی، ایک معصوم امام کی گواہی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے.
और इससे पहले कि मैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत पे कुछ अल्फाज आप हजरात के सामने बयान करूं, वो क्या खूबसूरत जुमले आयतुल्लाहिल उज़्मा ग़रवी इस्फ़हानी के, जिसमें हजरत फरमाते हैं, अक़ूलु ज़ैनब वमा ज़ैनब वमा अदराक मा ज़ैनब, कि मैं बोलूं ज़ैनब जबकि मुझे पता ही नहीं ज़ैनब किस ज़ात का नाम है, कैसे नाम है ज़ैनब अपनी ज़बान पे लेके आई। हजार मर्तबे शुस्तन दिहां बे अथरो गुलाब, हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बी अदबीस्त, के इस मुंह को हजार मर्तबा अथरो गुलाब से धुला जाए फिर भी इस मुंह से ज़ैनब कुबरा का नाम लेना कमाल बे अदबी है। ये मकाम है, मकाम है ज़ैनब कुबरा। एक मासूम इमाम, एक मासूम इमाम जिसके हक में गवाही देता हो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आलमे गैर मुअल्लमा हैं। ग्यारहवें इमाम के दौर में जाइए, ग्यारहवें इमाम के दौर में, ग्यारहवें इमाम इस दुनिया से चले गए, कुछ लोग ग्यारहवें इमाम की जौजा के पास आए, इमाम ज़माना की माँ के पास आए और आने के बाद फरमाया कि इमाम ज़मान जो हमारे ज़माने का इमाम था वो इस दुनिया से गुजर गया है, अब हम मसाइल किसकी खिदमत में पेश करें, किसकी खिदमत में मसाइल लेके जाएं। जवाब दिया कि इमाम हाजिर अभी उनकी उम्र कम है और कुछ मसलहतों की वजह से वो मुलाकात नहीं कर सकते, कि फिर हम जवाब किससे लें। हजरत ने जवाब दिया कि बारहवें इमाम इमाम महदी की फूफी की खिदमत में जाओ, اللهم صل على محمد وآل محمد, कि इमाम जमाना की फूफी की खिदमत में जाओ और वहां से मसाइल के जवाबात लेके आओ। किसी ने हाथ खड़ा किया कि दलील क्या है जो इमाम के बाद हम किसी खातून की तरफ रुजू करें, कि खातून की तरफ रुजू करने पर वही दलील है जो करबला में इमाम हुसैन के बाद ज़ैनब कुबरा की तरफ रुजू करने की दलील थी। एक मुख्तसर अरसा, क्या जनाब ज़ैनब कुबरा ने जवाबात इमामत नहीं दिए? बहुत सारे मसाइल की तरफ जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ रुजू किया गया। ये अज़मत है जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की। किसी के इल्म को पहचानना हो तो उसके सब्र को देखो, क्योंकि जब आप सब्र को देखेंगे तो उसकी इस्मत का अंदाजा होगा। जाहिर सी बात है मैं मुकाबला तो नहीं कर रहा हूं, अंबिया से कोई मुकाबला नहीं, अंबिया का एक मकाम है, शियाने हैदर कर्रार के नजदीक अंबिया का एक मकाम है और यकीनन अंबिया किराम इन तमाम शख्सियात से अफजल हैं। मैं 14 मासूमीन की बात नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा दीगर शख्सियात से अंबिया किराम अफजल हैं, ये शियों का अकीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बास चीजों में एक तकाबुल किया जा सकता है बास सिफात में। आप किसी की इस्मत को, बेशक हम भी गुफ्तगू करते हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास इस्मत कुबरा थी, इस्मत सुगरा थी, अबुल फ़ज़्ल अब्बास के पास इस्मत कुबरा, इस्मत सुगरा, देखिए ये बात तो अपनी गांठी में बांध लीजिए। इस्मत कुबरा जो हम जिसको एक एक तरीके से जो हम मनसब इमामत भी उसी में शामिल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 14 के पास है, वो उनकी इस्मत मखसूस इस्मत है जो इनके पास नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बाज़ औक़ात इस्मत सुगरा का तसव्वुर लाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुमकिन है बाज़ गुनाहों के कायल हों, ऐसा हरगिज़ नहीं है, यहाँ तक कि हम बाज़ ऐसी शख्सियात के हवाले से तर्क औला के भी कायल नहीं है, ठीक है, तर्क औला के भी कायल नहीं। तर्क औला किसे कहा जाता है? तर्क औला मिसाल के तौर पे शुगर मेरी सेहत के लिए हानिकारक है, जरर रखता है शुगर मेरी सेहत के लिए जरर है, औला ये है, औलवियत ये है कि आप शुगर यूज ना करें, औलवियत ये है कि शुगर यूज ना करें, औलवियत को तर्क कर दिया आपने, शुगर यूज कर लिया, इसे कहा जाता है तर्क औला। बात वाजे हुई? ये तर्क औला है, ठीक है, ठीक है।
जनाब आदम के लिए औला ये था कि वो उस दरख्त के पास ना जाते, लेकिन चले गए। ये होता है तर्क औला। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम मिफ्ल ज़ैनब कुबरा मिफ्ल अबुल फ़ज़ल अब्बास तर्क औला के कायल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कायल नहीं, मतलब कहीं तारीख में दिखा नहीं कि इन्होंने कोई तर्क औला अंजाम दिया हो। ये भी बाज़ उलमा की राय है, मैं यकीनन साहिब राय नहीं हूँ, उलमा की राय से इस्तेफादा करने वाला हूँ। किसी की इस्मत को देखना हो कि कितना बड़ा मासूम है, इसके पास कितनी बड़ी इस्मत है, तो उसके सब्र को देखिए। जितना बुलंदो बाला सब्र होगा उतना ही उसके पास मकाम इस्मत बुलंदो बाला होगा। मिसाल के तौर पे अमीरुल मोमिनीन को हम कायनात का सबसे बड़ा साबिर कहते हैं, कायनात का सबसे बड़ा साबिर, और उनसे बड़ा साबिर हम रसूलुल्लाह को मानते हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह की इस्मत बहुत बुलंदो बाला है, अली की इस्मत बे मुकाबले रसूल, हालांकि इसमें कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं इस सिफत से। लेकिन ये कायदा याद कर लीजिए कि जितना ज्यादा सब्र और तहम्मुल होगा उतनी ही आपकी इस्मत बुलंदो बाला होगी। मैं कुछ अंबिया के किस्सात आप हजरात के सामने बयान करूंगा, अंबिया का सब्र दिखाऊंगा, और फिर जनाब ज़ैनब कुबरा के सब्र आप हजरात के सामने बताऊंगा। कोई मुकायसे का भी इरादा नहीं है। जनाब आदम की खिदमत में चलिए। जनाब आदम से खुदा वंदे मुताल ने फरमाया, देखो सब कुछ तुम्हारा है मगर इस दरख्त के पास मत जाइएगा। चले गए। ये जनाब आदम का सब्र। जनाब इब्राहिम के पास जाइए। जनाब इब्राहिम ने फरमाया, परवरदिगारा मेरे यकीन में इजाफे के लिए परिंदे को जिंदा फरमा। या इसी तरीके से जब अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले गए तो क्या, परवरदिगारा मैं अपने बेटे को तड़पता देख नहीं पाऊंगा, आंखों पे पट्टी बांध ली। जनाब अय्यूब बहुत बड़े साबिर, बहुत बड़े साबिर, अल्लाह ने असबरुस साबिरीन की मोहर जनाब अय्यूब के सीने पर लगाई। जवान बेटे मर गए, सजदे शुक्र अदा किया, अल्लाह की हमदो सना की। बागो बगीचे तबाह हो गए, सजदे शुक्र अदा किया, अल्लाह की हमदो सना की। एक से एक मुसीबतें आती रहीं, गल्ले भेड़ बकरियां सब कुछ तबाह बर्बाद होता रहा, सजदे शुक्र अदा करते रहे। आखिर में दुनिया की जितनी बीमारियां थी वो सारी की सारी जनाब अय्यूब में आ गई। परेशान, हाथों से परेशान, पैरों से परेशान, मुख्तलिफ बीमारियों में जनाब अय्यूब मुबतला हुए, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। लेकिन एक मकाम आया जब इनकी जौजा, जनाब यूसुफ की बहन इनकी जौजा थी, वो खाना मांगने जाती थी और मांग के लाती थी और जनाब अय्यूब को खिलाती थी। जाहिर सी बात है सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था। ये जब खाना मांगने गई तो शैतान ने वरगला दिया, कहे कि ये चेहरा तो दिखाएंगी नहीं लेकिन इनके बाल बड़े खूबसूरत हैं। अब कि ये खाना मांगने आए तो इनसे कह देना अपने बाल दिखाओ फिर हम खाना देंगे। गांव वालों को बहका दिया। खुलासा जब जनाब अय्यूब की जौजा खाना लेने के लिए गई तो गांव वालों ने वही ख्वाहिश और वही दरख्वास्त की, ये फौरन वापस आ गई और जनाब अय्यूब की खिदमत में अर्ज किया कि या नबी अल्लाह, गांव वालों की ये ख्वाहिश है, अब आप बताइए करें तो क्या करें। पर जैसे ही सुनना था जनाब अय्यूब गिर गए, रोने लगे कि परवरदिगारा मैंने हर जगह इम्तिहान दिया लेकिन अय्यूब की खैरत ये गवारा नहीं करती, अय्यूब के होते हुए कोई अय्यूब की जौजा के बाल देखे कि मेरी खैरत गवारा नहीं करती, परवरदिगारा अब मुझसे सब्र नहीं होगा, खत्म, अब मुझसे सब्र नहीं होगा। इसके बावजूद खुदा ने फरमाया, अय्यूब तुमने सब्र का एक अजीम मर्तबा लोगों के सामने रोशन किया, तुमने बहुत सब्र किया, हम तुम्हारे ऊपर असबरुस साबिरीन की मोहर लगाते हैं, जब भी सब्र का तस्करा आएगा तो तुम्हारा नाम जरूर आएगा। जनाब मूसा की खिदमत में आइए। जनाब मूसा वो कुरान मजीद की मशहूर मारूफ आयत, जब ये मिस्र में दाखिल हुए एक आदमी इनके शियों में से, एक दुश्मन के साथ लड़ाई हो रही थी तो इनके शिया में से जो था वो जनाब मूसा के पास आया और आने के बाद शिकायत की कि ऐसा ऐसा है। जनाब मूसा दौड़े और फवकदहू फकदा अलैह, और जनाब मूसा ने एक घूसा मारा, फट से वो गिरे और मर गए। ये कुरान की आयत का तर्जुमा मैं खुलासतन आपके सामने बयान कर रहा हूँ, एक मुकदमा बना रहा हूँ एक मंजिल पर ले जाने के लिए।
इल्म ज़ैनबी पे गुफ्तगू करनी है। जनाब मूसा ने एक घूसा मारा और फट से वहीं पे मर गए। और फिर जब एक मकाम आया, खुदा ने कहा जाओ तबलीग के लिए, तो जनाब मूसा ने कहा परवरदिगार इन्नी क़तलतु मिन्हु नफ्सन फअखाफ अन यक्तुलून, मैंने उनमें से एक बंदे को मार दिया है, मुझे डर लग रहा है कि मैं वहां जाऊं मुझे न मार दें। ये कुरान मजीद की आयतें हैं। खुलासा ये था जनाब मूसा का सब्र, जनाब मूसा का सब्र। जनाब मूसा ने एक घूसा मारा और फट से मर गया। अब आइए जनाब यूसुफ की खिदमत में। जनाब यूसुफ जिंदान में, जब जिंदान से कुछ कैदियों को रिहा किया तो जनाब यूसुफ ने बुलाया कि उज़्कुरनी इंदा रब्बिक, कि वो जो तुम्हारा बादशाह है उस बादशाह के पास मेरा तज़किरा करना जाके, और कहना कि बेचारा एक मजलूम है जो जिंदान में कैद है बेवजह, कोई गुनाह भी नहीं। वही नाजिल हुई जनाब जबराइल के, मूसा यूसुफ इतनी जल्दी तुमने सब्र का दामन तोड़ दिया, अल्लाह के होते हुए तुम खैर से मुतमस्सिक हो गए। फौरन जनाब यूसुफ मुतवज्जे हो गए। ये किसका सब्र था? हजरत यूसुफ का। जनाब यूनुस की खिदमत में आइए। वज़न्नून इज़्ज़हबा मुगाज़िबन फज़न्न अल्लन नक़दरा, लंबी आय करीमा। ये जनाब यूनुस का सब्र। तमाम अंबिया का सब्र देख ले, किसी का बेटे की लाश को देखने से पहले या बेटे की गर्दन पे छुरी रखने से पहले सब्र टूट गया, किसी का सब्र बाल देखने की जब बात आई तो सब्र टूट गया, किसी को गुस्सा अपने दुश्मन पे आया और घूसा मार के मार डाला, किसी को जिंदान में रह के जिंदान की कैद बर्दाश्त ना हुई और कहा कि जाके बादशाह की खिदमत में मेरा तज़किरा करना, ये सारा अंबिया का सब्र है। लेकिन बात जब ज़ैनब कुबरा की आती है और उस दरबार के जुमले को सुनिए, जब किसी ने कहा ज़ैनब कैफ़ा रअयते सुना अल्लाह, ये जो अल्लाह ने तुम्हारे साथ किया इसे तुम कैसा पाती हो, ज़ैनब कुबरा ने कमाल इत्मीनान के साथ आंखों में आंखें डाल के फरमाया कि वमा रअयतु इल्ला जमीला, अरे करबला में हमने जमाल के सिवा कुछ नहीं देखा, करबला में हमने जमाल के सिवा कुछ नहीं देखा। ज़ियारत जनाब ज़ैनब कुबरा पढ़े तो जनाब ज़ैनब कुबरा की ज़ियारत का एक लफ्ज़ है, ज़ियारत का एक लफ्ज़ है, लक़द अजबत मिन सब्र के मलाइकतुस समा। ऐ ज़ैनब कुबरा, आपके सब्र को देख कर आसमानों के मलाइका हैरान और परेशान है। ये ज़ैनब कुबरा का सब्र। मैंने कहा था सब्र जितना बुलंदो बाला होगा इस्मत का दर्जा उतना बुलंदो बाला होगा, कोई मुकायसा नहीं। लेकिन सब्र जितना बुलंदो बाला होगा दरजे इस्मत और तहारत उतनी ही बुलंदो बाला होती रहेगी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इल्म देखना हो तो मैंने शायद किसी मजलिस में कहा था कम इल्म रखने वाला ज्यादा इल्म रखने वाले के साथ चल नहीं सकता, ये एक कायदा है, कुरानी कायदा है। जिसके पास कम इल्म है वो ज्यादा इल्म वाले को तहम्मुल नहीं कर पाएगा, ये कुरानी कायदा है। ज़ैनब कुबरा ने किस किस के जमाने को दर्क किया? रसूलुल्लाह के जमाने को दर्क किया। मैं रसूलुल्लाह के जमाने को दर्क किया। अच्छा, ये भी शायद आप लोगों ने सुनी हो, ये रसूलुल्लाह से हदीस है, हजरत ने फरमाया अंतुहिब्बू ज़ैनब, ये अम्र है कि जनाब ज़ैनब से मोहब्बत करो। मेरे जहन में रवायत का हवाला नहीं है लेकिन अगर किसी को जरूरत हो तो मैं मजलिस के बाद दे सकता हूँ कि हजरत ने फरमाया अंतुहिब्बू ज़ैनब, कि तुम ज़ैनब से मोहब्बत करो, हुक्म दिया है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। खुलासा रसूलुल्लाह के जमाने को दर्क किया, पहले इमाम, दूसरे इमाम, तीसरे इमाम, चौथे इमाम और पांचवे इमाम को भी ज़ैनब उलिया मकाम ने दर्क किया है। मतलब छः और सात शख्सियतों को, सात मासूमों को दर्क किया है। अब यहीं से एक नुक्ते की तरफ इशारा करूंगा। मैंने एक जुमला कहा था कम इल्म ज्यादा इल्म वाले के साथ चल नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। कुरानी मिसाल आपके साथ में पेश करूं। जनाब मूसा व खिज्र का किस्सा मेरे ख्याल से आप लोगों के जहनों में होगा, कुरान मजीद का जनाब मूसा व खिज्र का किस्सा आप हजरात के जहनों में होगा। किस्सा क्या है? जनाब मूसा व खिज्र एक कश्ती में सवार हुए,
पहले कह दिया था कि दो भैया बोलना नहीं, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, टोकना नहीं। जनाबे मूसा ने कहा ठीक है, मैं कोई टोकूंगा नहीं, कुछ भी रोकूंगा नहीं, चलो बिस्मिल्लाह। कश्ती चली, जनाबे खिजर ने कश्ती में सुराख कर दिया। जैसे ही सुराख किया, फौरन जनाबे मूसा गुस्सा आ गए, हम ये क्या कर रहे हो, कश्ती में सुराख कर रहे हो। जनाबे खिजर ने फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था, इन्नका लन तस्तती मअय सब्र, तुम मेरे साथ तहम्मुल और सब्र नहीं कर पाओगे। क्या चलो ठीक है भैया, ठीक है आगे बढ़े। एक गांव में दाखिल हुए, वहां दीवार टूटी पड़ी थी, वो बना दी। जनाबे मूसा फिर गुस्सा आ गए कि तुम उस गांव में दीवार बना रहे हो जहां किसी ने हमें पानी और खाना तक नहीं दिया। फिर जनाबे खिज्र ने फरमाया कि क्या मैंने आपसे पहले नहीं कहा था कि आप मेरे साथ तहम्मुल नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। क्या चलो ठीक है आगे बढ़े। एक बच्चे को जनाबे खिज्र ने मार दिया, फिर गुस्सा आ गया कि बच्चे को मार दिया। वो जुमला याद रखिएगा, जिसे नहीं मालूम वो उसके साथ के जिसे मालूम है उसके साथ चल नहीं पाता है। ये कायदा अपने जहन में रखिएगा, अगर मकाम ज़ैनब समझने की कोशिश कर रहे हैं। जनाबे खिज्र फिर जनाबे मूसा पर बोलने लगे कि भाई मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ चल नहीं पाओगे। फिर जनाबे खिज्र ने इल्लतें बयान की, कहे कि अब मुझे पता चल गया है कि मजीद तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे, लिहाजा अब हमारी और तुम्हारी जुदाई शुरू। लेकिन उस जुदाई से पहले मैं इल्लतें बयान कर दूं कि वो जो मैंने कश्ती में सुराख किया था वो किस लिए किया था, दीवार बनाई वो किस लिए बयान आई, और वो जो बच्चे को मारा वो किस लिए मारा। कश्ती में सुराख इसलिए किया था कि उस पर किसी हाकिम की, किसी जाबिर की नीयत खराब थी, अगर मैं सुराख ना करता तो वो कश्ती ले लेता, लिहाजा मैंने सुराख कर दिया ताकि उसकी नजर में ये कश्ती मायूब हो जाए और इसे छोड़ दे, ये गरीब आदमी है। अब आइए दूसरी तरफ हिकमत, कि दूसरी तरफ वो जो मैंने दीवार बनाई थी वो यतीमों की दीवार थी, वो दीवार टूट गई थी, उसमें खजाना रखा हुआ था, अगर वो दीवार ना बनाता तो ये शहर वाले उसका खजाना लूट लेते। वो जो बच्चे को मारा वो बड़ा होता, अपने वालिदैन को काफिर कर देता, मुशरिक कर देता, फला फला, इस वजह से उसे मार दिया। तीनों चीजें बयान करने के बाद कह जाओ हाजा फिराक बैनी व बैनक, अब यहाँ से हमारी और तुम्हारी जुदाई शुरू, तुम हमें तहम्मुल नहीं कर सकते। अब इससे नतीजा ये निकलता है कि कम इल्म वाला या जिसे उस चीज की मालूमात ना हो वो उसके साथ के जिसे मालूमात है उसके साथ चल नहीं सकता। अब जरा तसव्वुर कीजिए और सलाम कीजिए ज़ैनब कुबरा को कि जिसने अपनी जिंदगी में रसूलुल्लाह के जमाने को भी दर्क किया, अली के जमाने को देख, हसन के जमाने को देखा, हुसैन के जमाने को देखा, ज़ैनुल आबिदीन के जमाने को देखा, तमाम इमामों और मासूमों के जमानों को देखने के बाद तारीख ने कहीं नहीं लिखा जहां ज़ैनब ने सवाल किया हो। समझिए जाके, समझिए और समझाऊं, और समझाऊं और समझिए। हदीसे किसा, हदीसे किसा, जाहिर सी बात है पंजतन हदीसे के सामने तशरीफ लाए। जब ये चादर वाला किस्सा या वाकया हुआ, ज़ैनब कुबरा का वजूद था या नहीं था? था। अगर तारीख पढ़े तो ज़ैनब उलिया मकाम की उम्र 4 या 5 या 6 बरस ऐसे ही कुछ होगी, दकीक मेरे जहन में नहीं, कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ऐसे ही कुछ उम्र होगी। अब जरा तसव्वुर करें, अगर ये जो माहौल बना चादर में, एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया, थोड़ा अजीब नहीं था? थोड़ा अजीब नहीं था? क्या ऐसे मकाम और ऐसी जगह पर एक बच्ची के जिसकी उम्र 4 या 5 साल की हो, वो मिसाल के तौर पे नाना को आते देखे, माँ को आते हुए देखे, बाबा को आते हुए देखे, भाइयों को आते हुए देखे, क्या वो जिद नहीं करेगी चादर में जाने की? मैं मकाम मकाम ज़ैनबी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा था ना, कम इल्म वाला ज्यादा इल्म वाले के साथ चल नहीं सकता। मकाम समझिए ज़ैनब औलिया मकाम का। जनाबे ज़ैनब ने क्या जिद नहीं की होगी? अगर जिद करती चादर में जाने की, तो याद रखिए तारीख जरूर बयान करती। अगर तारीख ने कुछ बयान नहीं किया तो मतलब ज़ैनब कुबरा ने जिद नहीं की, जिद नहीं की। अच्छा, वाकया ही ऐसा था कि कोई भी बच्चा होता वो जरूर जिद करता नाना की गोद में बैठने का, माँ के पास बैठने का, बाबा के पास बैठने का, भाइयों के पास बैठने की जिद करता कोई भी होता। लेकिन कहीं तारीख में नहीं मिलता कि ज़ैनब उलिया मकाम ने चादर वाले किस्से में कहीं कोई रोल अदा किया हो, आस पास तक गई हूं।
आप कहेंगे जनाबे वाला हो सकता है किया लेकिन खबर नहीं दी गई, ऐसा भी नहीं, क्योंकि जिसने जिसने जिद की उनके नाम तारीख ने बता दिए, उनके नाम बता दिए जिसने जिसने जिद की। रसूलुल्लाह ने बता दिया कि भाई तुम्हारा मकाम खास है लेकिन चादर में आने वाली नहीं हो, बता दिया। उम्मे सलमा ने कहा आने की कोशिश की हम भी आ जाएं, रसूलुल्लाह ने फरमाया अंसे अलल खैर, तुम जहां हो वहीं बेहतर हो, यहां तुम्हारा मकाम नहीं है। ज़ैनब उलिया मकाम ने जिद नहीं की। अब मैं शायद ये अल्फाज आप हजरत तक पहुंचा दूं, मैंने कहा था ना कम इल्म वाला ज्यादा इल्म वाले के साथ सरवाइव नहीं कर पाता, चल नहीं पाता। शायद जनाब ज़ैनब उलिया मकाम का जवाब यही हो कि सवाल वो करे जिसे मालूम ना हो, सवाल वो करे जिसे मालूम ना हो। उम्मे सलमा को मालूम नहीं था लिहाजा जाने की जिद की, लेकिन ज़ैनब को पता है कि लौहे महफूज पे पंजतन सिर्फ पांच है। सवाल वो करे जिसे मालूम ना हो। जनाब उम्मे सलमा को नहीं मालूम था, जनाब उम्मे सलमा ने सवाल किया, जिद की, लेकिन ज़ैनब उलिया मकाम को पता था लौहे महफूज पे पंजतन सिर्फ पांच हैं, लिहाजा जिद कैसी, जिद कैसी। मैंने पूरी तारीख मैंने कल भी बयान किया था और आज भी बयान कर रहा हूँ, ये जो दोनों शख्सियतें इनका मकाम बहुत ही बुलंद बाला है शियान हैदर सफदर की नजरों में, अहले बैत अतहार की नज़रों में। बाज़ उलमा के जो मुकाशिफात हैं इमाम ज़माना से मुलाकात के या रुयात के जो किस्सात हैं उनमें भी बयान होता है, बाज़ उलमा ने हालत रुया में या मुकाशिफे की सूरत में जब इमाम ज़माना से मुलाकात की या ख्वाब में देखा, तो हज़रत ने भी कई मुकाशिफात या मुलाकातें ऐसी हैं कि जहाँ हज़रत ने अपनी ज़बान से इन अल्फाज को दोहराया कि हमें ज़ैनब कुबरा और अबुल फ़ज़्ल अब्बास से कितनी मोहब्बत है। एक मुकाशिफे में या एक रोया में बाज़ आयतुल्ला बहजत की तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता हकीकत है या नहीं, बाज़ मंसूब करते हैं, लेकिन बात यकीनन इसमें कोई इश्काल भी नहीं है कि हज़रत ने फरमाया कि मैं ख्वाहिश करूँगा या मेरी तुमसे गुजारिश और इल्तिमास ये है कि मेरे ज़हूर के लिए जब भी दुआ करनी हो तो ज़ैनब उलिया मकाम और अबुल फ़ज़्ल अब्बास का वसीला खुदा की खिदमत में पेश करो। आयतुल्ला मराशी नजफ़ी का एक किस्सा मैंने मेरे ख्याल से पिछले साल बयान किया था, बात से बात निकल गई तो ये भी बयान करता चलूँ। आयतुल्ला मराशी नजफ़ी साहब ने बयान किया कि एक साहब थे बहुत परेशान थे, जमकरान जाया करते थे और जमकरान में 40 दिन का वो जो चिल्ला वगैरह जो भी हो वो इन्होंने खींचा और रोज़ जमकरान जा रहे, रोज़ जा रहे, रोज़ जा रहे। ये आयतुल्ला मराशी नजफ़ी की ज़बानी किस्सा और किताबों में भी तहरीर किया है, जिसे ज़रूरत हो तो वो मजलिस के बाद मुझसे पूछ सकता है। शायद मोहम्मद तबातबाई करके जिनका किस्सा है, वो तबातबाई करके उनका नाम है, मेरे जहन में नहीं है। खुलासा वो जमकरान गए, बहुत दिन जाते रहे जाते रहे, तो एक दिन जमकरान में मौला की खिदमत में बाज़ औक़ात होता है कि कभी कभी हम भी शियान हैदर कर्रार अहले बैत अतहार से इश्कबाजी करने लगते हैं, इश्कबाजी करने लगते हैं। कहने लगे मौला मैं इतने दिनों से आ रहा हूँ आपकी खिदमत में गिड़गिड़ा रहा हूँ, आपका वसीला खुदा की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, लेकिन मौला फिर भी मेरी कोई हाजत रवा नहीं हो रही है, मेरी मुश्किलात हल नहीं हो रही हैं। मौला अगर ऐसे ही चलता रहा ये जो मैं इतने दिनों से आ रहा हूँ, मैंने कहा ना बाज़ औक़ात शियान हैदर कर्रार भी अहले बैत अतहार से इश्कबाजियाँ करते हैं, कि मौला अगर ऐसे ही चलता रहा मैं रोज़ आता रहा और खाली हाथ जाता रहा फिर मैं मौला अब्बास से मुतवस्सिल हूँगा, फिर कोई ये ना कहे कि इमाम ज़माना को छोड़ के कोई मौला अब्बास से मुतवस्सिल हो रहा है और तवस्सुल कर रहा है। ये आयतुल्ला मराशी नजफ़ी साहब बयान कर रहे हैं, कहते ये आलिम दीन वहाँ ये ताना दे के एक तरीके से इश्कबाजी कि आपको छोड़ के फिर मैं मौला अब्बास से तवस्सुल करूँगा जाके कह के चले आए। कहते रात में इन्होंने ख्वाब देखा कि खूब रोए, कि ख्वाब में कोई नूरानी शख्सियत आई और इनसे मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम अबुल फ़ज़्ल अब्बास की खिदमत में जाके तवस्सुल करो, मैं मशवरा देता हूं।
बाबुल हवाइज, बाबुल हवाइज कहते हैं दुनिया की जितनी भी परेशानियां इन दो शख्सियतों के नाम लो, ज़ैनब उलिया मकाम अबुल फ़ज़ल अब्बास, या काशिफ अल कर्ब अन वज्हिल हुसैन इकशिफ कर्बी बहक़ अखीक अल हुसैन। मौला अब्बास को ये बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है कि एक मासूम इमाम की हिफाजत करे या उसका मुहाफिज, उसके चेहरे से कर्ब को दूर करने वाले की जात का नाम है अबुल फ़ज़ल अब्बास। ये बहुत बड़ा जुमला है। करबला में, यहीं से मैं दोनों शख्सियात को लेके चल रहा हूं, करबला में अगर आप जाएं, जो कुछ इमाम हुसैन पे हुआ, इमाम हुसैन की जात पे, वो इमाम हुसैन की जात पे तब हुआ जब अबुल फ़ज़ल अब्बास इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से चले गए। जनाब उम्मुल बनीन की एक वसीयत भी थी, लंबी तुलानी वसीयत थी जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास के लिए, उन वसीयतों पे भी अमल किया। एक जुमला है जो मसाइब में हम भी पढ़ते हैं और कहते हैं कि जब अबुल फ़ज़ल अब्बास घोड़े से जमीन पे आए तो इमाम हुसैन ने अपनी कमर पे हाथ रखा और कमर को झुका के फरमाया अल आना इनकसर ज़हरी। मैं मसाइब की मंजिलों पर नहीं, लेकिन मामूलन खुतबा जब इस जुमले को पढ़ते हैं तो बाकायदा कमर झुका लेते हैं कभी कभी, कि इमाम हुसैन की कमर टूट गई, कमर झुक गई और फरमाया कि अब मेरी अब्बास के मरने से कमर टूट गई। एक मुहावरा है अरबी का, अरबी का मुहावरा है। यहाँ हकीकी माना मुराद नहीं है कि मौला की कमर टूट गई, नहीं, अरब का एक मुहावरा है। अरब का जो सबसे बड़ा सहारा और आसरा जब सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो जाए तब वो मुहावरतन कहता है कि इस हादसे से मेरी कमर टूट गई। अब जरा तसव्वुर करें वो जुमला जो अबुल फ़ज़ल अब्बास के पास इमाम हुसैन ने फरमाया, वो जुमला अपने कड़ियल जवाब बेटे के पास नहीं फरमाया, जनाब अली अकबर के लाशे पे ये जुमला नहीं फरमाया, जनाब कासिम के लाशे पे नहीं फरमाया, लेकिन ये जुमला अबुल फ़ज़ल अब्बास के ऊपर फरमाया। हर शख्सियत की आस का नाम है अबुल फ़ज़ल अब्बास, हर शख्सियत की आस का नाम है। कहते हैं रोज़े आशुरा जैसे जैसे वक्त शहादत इमाम हुसैन करीब हो रहा था, इमाम हुसैन के चेहरे पे मुस्कुराहट और खूबसूरती बढ़ती चली जा रही थी, नूरानियत बढ़ती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई, बाज लोगों ने जो जुमला लिखा है कहते हैं किसी शादी का दूल्हा, बाज उर्दू खुतबा या मुअर्रखीन ने जो जुमला लिखा है कि जिस तरीके से शादी में दूल्हे को सजाया जाता है उसके चेहरे पे ग्लू होता है, खूबसूरती होती है, निखार होता है, कि जैसे जैसे हुसैन अपनी शहादत से करीब होते जा रहे थे वैसे इमाम हुसैन का चेहरा खिलता चला जा रहा था। लेकिन इस पूरे हादसे में दो मकाम ऐसे थे कि जहां इमाम हुसैन के चेहरे पर एहसास शिकस्तगी नमूदार हुई, मतलब ऐसा महसूस हुआ कि अब हुसैन अंदर से टूट चुके हैं, जिसे हम कहते हैं चेहरा लटक गया अपनी ज़बान में, माज़रत के साथ शायद अल्फाज ज्यादा मुनासिब ना हो। एक मकाम तब जब जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर घोड़े से गिरे, रावी कहता है मैंने देखा हुसैन के चेहरे पर शिकस्तगी के आसार। इससे पता चलता है हबीब का मकाम और मर्तबा क्या है, हबीब का मकाम और मर्तबा क्या है। दूसरा कहते हैं जब अबुल फ़ज़ल अब्बास ने आवाज इस्तगासा तलब की और आखिरी सलाम हुसैन की खिदमत में पेश किया, तब हुसैन इब्न अली के चेहरे पर आसार शिकस्तगी नमूदार हुआ। दो मकाम से, मतलब जनाब अली असगर का लाशा लेना कितना सख्त था, लेकिन वो आसार शिकस्तगी जो अब्बास के लाशे पे नमूदार हुए वो किसी के लाशे पे नमूदार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अबुल फ़ज़ल अब्बास इमाम हुसैन के भरोसे का नाम है, भरोसे का नाम है। जब तक अबुल फ़ज़ल अब्बास जिंदा रहे किसी में मजाल नहीं थी जो हुसैन की तरफ आंख उठा के देखे। मक्के में जब बाज लोगों ने एक मंसूबा, एक प्लान बनाया कि मक्के में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो वहां पे भी एक खुतबा, खुलासा बाज मुअर्रखीन ने, बाज तारीख निगारान ने इस खुतबे की तरफ इशारा किया, मैंने उलमा की खिदमत में भी इस खुतबे के हवाले से पता किया, तो कोई हरज नहीं है। ये खुतबा बाज उलमा के बकौल असबाब फ़ज़ाइल पढ़ने में कोई हरज नहीं है,
मौला अब्बास की तरफ मंसूब किया जाता है ये खुतबा। खुलासा इसी के जुमलात में एक दो बयान करने की कोशिश करूँगा कि क्या राबता था इमाम हुसैन और अबुल फजल अब्बास में। कहते जब तक अब्बास जिंदा रहे किसी में मजाल नहीं थी जो हुसैन की तरफ आंखें उठाए। किसी ने इरादा किया या वो हाजी लिबास पहन के एहराम के हालत में तलवारों को छुपा के इमाम हुसैन को मारने का इरादा कर रहे थे तो अबुल फजल अब्बास खाने काबा की छत पे गए और छत पे जाने के बाद खिताब किया, अय्युहल कफरतुल फजरा اتصدون البيت لامام البرره من هو احق به من صائر البريه ومن هو ادنى به। अबुल फजल अब्बास जोश खरोश में खाने काबा की छत पे चढ़े और फरमाया, ए कुफार व फुज्जार, اتصدون البيت لامام البرره, क्या तुम खाने काबा का दरवाजा उस इमाम पर बंद कर रहे हो जो इमाम इस खाने काबा पर तुम लोगों से ज्यादा हक रखता है, तुम लोगों से ज्यादा हक रखता है। अच्छा यहां एक और जुमला काबिल गौर है, हजरत ने क्या फरमाया, अय्युहल कफरतुल फजरा, ए कुफार व फुज्जार। खुतबा किसके दरमियान है? खाने काबा की छत पे। खाने काबा के आस पास आएगा कौन? मुसलमान। हजरत के जुमले क्या है? अय्युहल कफरतुल फजरा, मतलब क्या है? मतलब खाने काबा के पास अगर कोई खुतबा देगा तो कफरा और फजरा से खिताब करेगा। गोया हजरत इन अल्फाज के साथ बताना चाहते हैं कि जिसके दिल हुसैन इब्ने अली की विलायत और मोहब्बत से खाली हो वो काफिर फाजर हुआ करता है। जिसके दिल हुसैन की मोहब्बत से खाली हो, क्या यो हल्के फरतुल फजरा, क्या तुम उस पर खाने काबा का दरवाजा बंद कर रहे हो जो तुमसे ज्यादा खाने काबा में आने जाने का हक रखता है, उस पे खाने काबा का दरवाजा बंद कर रहे हो। फिर इसी खुतबे में हजरत ने बाज़ जुमलात फरमाए, मैं आखिरी दो चार जुमलात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं जो मेरा मकसद था कि क्या मोहब्बत और क्या निस्बत थी। हजरत ने फरमाया, वलो लम तकुम मशीयत मौलाय मजबूलतम मिन मशीयत रहमान लवकातु अलैकुम कसकर الغضبان على اسافير الطيران, कि अगर हिकमत इलाही ना होती, मेरे मौला की मर्जी शामिल ना होती तो मैं तुम लोगों पर उसी तरह टूट पड़ता जिस तरह कोई बाज शिकारी अपने शिकार पे टूटता है, मैं उस तरह से टूट पड़ता। और ये जो तुम इमाम हुसैन को खाने काबा के पास एहराम की हालत में मारने के लिए आए हो, क्या गौर नहीं करते? गौर नहीं करते? ये जो हजरे अस्वद है कि जिसको तुम चूम रहे हो, अगर मशीयत इलाही ना होती तो खुदा की कसम वो हजरे अस्वद के जिसे तुम चूम रहे हो वो हजरे अस्वद खुद अपनी जगह से बुलंद होता और मेरे मौला के हाथों को चूमता, मेरे मौला के हाथों को चूमता। ये जिस खाने काबा का तुम तवाफ कर रहे हो, अगर मशीयत इलाही ना होती तो ये खाने काबा खुद मेरे मौला का तवाफ करता, खुद मेरे मौला का तवाफ करता। और ये इमाम हसन मुजतबा को जब एक अराबी ढूंढता हुआ आया, शायद आप लोगों तक वो बात पहुंची हो, मैंने 20 जुमलात बयान किए, 20 जुमलात के जरिए अराबी ने इमाम हसन मुजतबा को तलाश किया, अय्युकुम जूद सखा वल करम, अय्युकुम अली, अय्युकुम इब्न अली अल मुर्तजा, अय्युकुम इब्न मोहम्मद अल मुस्तफा, तुम में से वो कौन है जो अली मुर्तजा का बेटा, उसी में इस अराबी का जुमला है, तुम में से वो कौन है कि जिसने खाने काबा की जियारत की और जियारत करने के बाद फिर पूरी दुनिया ने उसकी जियारत की। ये जुमला अरबी का था। खुलासा, हजरत ने यहां कुछ जुमलात को बयान करने के बाद, मैं वो सारे जुमलात नहीं बयान करूंगा, तुलानी खुतबा आखिरी जुमले की तरफ आइए, निस्बत देखिए मौला अब्बास की इमाम हुसैन से। हजरत ने फरमाया, तुम हुसैन को मारना चाह रहे हो, तुम उसी काम में मुबतला हो रहे हो जिस काम में कुरैश मुबतला हुआ था। कुरैश किस काम में मुब्तला हुए थे? कुरैश ने रसूलुल्लाह को हमेशा मारने का इरादा किया लेकिन कुरैश नाकामयाब हुए। क्यों नाकामयाब हुए? क्योंकि रसूलुल्लाह को मारना मुहाल था, क्योंकि अली इब्न अबी तालिब जिंदा थे। भाई जब तक अली जिंदा है
किसी में मजाल नहीं जो रसूल को मार सके। अब तुमने सोच कैसे लिया कि जब तक अब्बास जिंदा हो कोई हुसैन की तरफ आंख उठा के देखे? तुमने कैसे सोच लिया अब्बास के होते हुए कोई हुसैन इब्ने अली की तरफ आंख कैसे उठा सकता है अब्बास के होते हुए? ये दो शख्सियतें, दोनों शख्सियतों के खुदा की कसम अगर फजाइल व मारिफ और इनकी मारिफत बयान करने बैठा जाए तो काबिले बयान नहीं, यकीन जाने अक्ले मबहूत है मबहूत। कैसे बयान किया जाए जनाब ज़ैनब का मकाम क्या है, कैसे बयान किया जाए अब अल-फ़ज़्ल अब्बास का मकाम क्या है? वो अगर ये साफ़ी गुल पैगानी का एक बड़ा मशहूर मारूफ जुमला जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और मैंने खुद इनके बेटे से भी इस हवाले से पूछा है। एक नोहा खान अगर ये साफ़ी गुल पैगानी साहब के पास आए और आने के बाद जनाब सलमान का तस्करा करने लगे कि आगा जनाब सलमान के हवाले से बड़े अच्छे अच्छे जुमलात मिलते हैं। अहले बैत अतहार ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, सलमान हम अहले बैत में से हैं, सलमान ईमान के 90 दर्जे पे फायज हैं। कि अब मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जनाब सलमान अफजल हैं या जनाब अबुल फजल अब्बास, क्या आगा इस पर आपकी क्या राय, जनाब सलमान अफजल हैं या जनाब अबुल फजल अब्बास? आगा ये साफ़ी गुल पैगानी ने फरमाया कि खबरदार अब्बास का मुकाबला जनाब सलमान से मत करना, बेशक जनाब सलमान का मरतबा हमारी सर आंखों पर, लेकिन अब्बास का मुकाबला सलमान से कैसा कि खुदा की कसम अब्बास अगर दुआ करे तो खुदा 70,000 सलमान पैदा कर दे। कि अब्बास अगर दुआ करे खुदा की बारगाह में तो खुदा 70,000 सलमान पैदा कर दे। अबुल फजल अब्बास का मुकाबला कैसा, अबुल फजल अब्बास का मकाम मंजिलत शेख अंसारी तिबला तशरीफ फरमाए, शेख अंसारी इनकी दो किताबें ऐसी हैं कि इन दो किताबों को पढ़े बगैर हौजे में, मतलब मेरे ख्याल से अगर ये जुमला कहूँ तो गलत नहीं होगा, इज्तिहाद तक नहीं पहुँच सकता। इनकी दो किताबें रसायल और किफाया, ये दो किताबें, एक फिक्र की किताब है और एक उसूल की किताब है। इस किताब को पढ़ने वाला मुज्तहिद कहलाता है। इस किताब को पढ़ने के बाद दरस खाज खुलासा, बहुत बड़ी किताब है ये, करबला ये मोहल्ला पहुंचे मौला अब्बास के हरम, इन्होंने दोनों हाथ मौला अब्बास की चौखट पे रखे और अपने लबों से मौला अब्बास की चौखट को चूमा, झुक के लबों से मौला अब्बास की चौखट को चूमा। किसने? शेख अंसारी। बस मैं मंजिलों की तरफ जा रहा हूँ, आखिर में दो चार जुमले जनाब ज़ैनब उलिया मकाम के हवाले से फिर रब्त मसाइब। कहते शेख अंसारी करबला ये मोहल्ला पहुंचे, अपने लबों से मौला अब्बास की चौखट को चूमा। किसी साहब ने शेख अंसारी से फरमाया कि आगा जो आप कर रहे हैं क्या वो जायज़ है, क्या हम झुक के मौला अब्बास की चौखट को अपने लबों से चूम सकते हैं? आगा ने फरमाया बेशक इसमें कोई हर्ज नहीं है। और देखो अपनी अपनी मारिफत की बातें, शेख अंसारी ने फरमाया कि मैं चौखट को नहीं चूम रहा था, कि मैं फिलहाल चौखट को नहीं चूम रहा था, कहां अबुल फजल अब्बास की चौखट और कहां मेरे नजिस होंठ। मारिफती जुमले के कहां के तुम मुझे सवाल कर रहे हो ना कि चूम सकता हूं या नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं मौला अब्बास की चौखट चूम रहे, कि कहां मैं, कहां अब्बास की चौखट, कि मैं तो फिलहाल उस मकाम को चूम रहा हूं जहां अब्बास के जाहिर के कदम पड़े हो। कहां खुद अबुल फजल अब्बास, ये मकाम है, मंजिलत है। मलाइका, मलाइका इनके दरवाजों पे आते हैं, इनके दरों को चूमते हैं, मलाइका इनके दरवाजों पे आके सलामी पेश करते हैं। ये खुदावंद मुताल ने मकाम अता फरमाया, ये खुदावंद मुताल ने अज़मतें अता फरमाई। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम, अजीब व गरीब मंजिलत, अजीब व गरीब मकाम। आप अगर रिवायात, बहुत सारी रिवायत, मैंने बहुत सारी रिवायात को यकीन जाने बहुत सारी रिवायात को किनारे रखा, अगर उन बाज़ रिवायतें ऐसी हैं कि जिनको फिर आखिर तक उन पर गुफ्तगू की जाए ताकि नतीजा बेहतर से बेहतर दिया जा सके। खुद एक लफ्ज़ है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मैंने छेड़ा नहीं, लेकिन मैं जाते जाते सिर्फ एक इशारा कर दूँ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक लकब है सानिया ज़हरा। सानिया ज़हरा यानी क्या? यानी दूसरी ज़हरा। किस मामले में दूसरी ज़हरा, किस मामले में? अब जाहिर सी बात है जब किसी को किसी का सानी कहा जाता है तो तबान उसकी सिफात इसमें पाई जाती हैं, उसकी सिफात इसमें पाई जाती हैं। मैंने शायद एक मजलिस पढ़ी थी, अगर YouTube पे अवेलेबल हो, अवेलेबल है,
इल्म गैब जनाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इल्म गैब, और उसमें बहुत सारी मिसालें मैंने दी थी, जिनमें से एक जनाब ज़ैनब यजीद के सामने खड़े होकर फरमा रही, वअय्यामुकुम मअदूदा, तेरे दिन बहुत मुख्तसर है, ये इल्म गैब है। जनाब ज़ैनब यजीद से कह रहे हैं, वअय्यामुकुम मअदूदा, तेरे दिन बड़े मुख्तसर है, तुम मुख्तसर दिनों में मर जाएगा। ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गैब की खबर बता रही हैं। इसी तरीके से ये जो जुमला जनाब ज़ैनब कुबरा का, या यजीद या फला या अय्युहन्नास कित कई तक वसायक व नासब जोहदक, जो तुझे मंसूबे बनाने हो बना ले, जो तुझे जाल बिछाने हो बिछा ले, जो तुझे साजिशें चलनी हो चल ले, जो तुझे प्रोपोगंडे करने हो कर ले, वल्लाह खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिट नहीं सकता। ये गैब है, इल्म गैब, ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खबर दे रही, ये खबर दे रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे जुमलात हैं जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इल्म गैब पे दलालत करते हैं, इल्म गैब पे दलालत करते हैं। जब ये लुटा हुआ काफिला शाम पहुंचा, बस मैं यहीं से रबते मसायब, हम भी बाज़ औक़ात कहते हैं, हम मजलिसें करवाते हैं, मातम करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक अपने अंदर फख्र महसूस करते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि फ़लाँ मजलिस हमारी वजह से है, फ़लाँ जुलूस हमारी वजह से है, हम ना होते तो फ़लाँ जुलूस ना होता, तो ये ना होता, वो ना होता। खैर, उलमा के मुख्तलिफ बयान हैं, मैं मज़ीद इस पर कोई गुफ्तगु नहीं करना चाह रहा हूँ, बस वो शाहिद मिसाल आप हज़रात के सामने। जनाब ज़ैनब कुबरा शाम पहुंची, साद या सईद नामी रसूलुल्लाह का एक सहाबी, वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लुटे हुए काफिले के पास आए और इन्होंने खिताब किया कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। एक दो मरतबा इन्होंने इस जुमले को तकरार किया तो ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, रवायत का जुमला है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उंगली का इशारा किया, वो अरबी के अल्फाज मेरे जहन में फिलहाल नहीं है कि अरबी वो कहते हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उंगली का जैसे ही इशारा किया, हजरत का उंगली का इशारा करना था, कहते वो जो घोड़ों का शोर शराबा और ऊंटों के चलने की आवाज थी वो एक जगह पे थम गई। बाकायदा रिवायत का लफ्ज है, कहते लोगों की आवाजें उनके कलेजों में जकड़ गई, थम गई, यानी सांस लेने की आवाजें नहीं आ रही थी। ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस उंगली के इशारे से साथ को या सईद को समझाना चाह रही, ये तुम बार बार क्या कह रहे हो, किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ, जरूरत हो तो बताओ। याद रखो, कैदी जरूर है लेकिन मोहताज नहीं है, कैदी जरूर है लेकिन बेबस नहीं है। अब जरा गौर करो, जिसकी एक उंगली के इशारे में लोगों की आवाजें उनके सीनों में कैद हो जाए, जरा तसव्वुर करो खुदा ने उसे कैसे कैसे कमालात दिए होंगे, जिसकी एक उंगली के इशारे से। कि ये तुम बार बार क्या कह रहे हो, किसी चीज की जरूरत, हम भी बाज़ औक़ात कहते हैं मजलिस करके इमाम हुसैन पे एहसान करने की कोशिश, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर एहसान करने की कोशिश, ये उनका एहसान है कि जो तुम्हारी इस मजलिसों को कबूल फरमा रहे हैं, ये उनका एहसान है जो तुम्हारे इस पैसे को कबूल कर रहे हैं। जनाब हम भी कभी कभी कहते हैं हम इमाम हुसैन की मदद करने वाले, कहाँ हम, कहाँ इमाम हुसैन की मदद, हम कहाँ और इमाम हुसैन की मदद। कहने लगे जनाब वाला, इमाम हुसैन ने फरमाया था हल मिन्ना सुरन यंसुरुना, आज हम इमाम हुसैन की मदद कर रहे हैं। ठीक है, इमाम हुसैन को हमारी या तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। उस दिन भी जो इमाम ने फरमाया था वो इमाम का मकसद और गरज मदद नहीं थी, यकीन जाने मदद नहीं थी। अगर मकसद और गरज मदद होता तो वो जो मलाइका तलवारें लिए खड़े थे वो कह रहे थे या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अगर ये जो आपने हुक्म दिया, अगर ये हुक्म इमामत ना होता तो लखालफनाक, तो हम आपकी मुखालफत करते, जबरदस्ती आपकी मदद करते। ये फरिश्तों के जुमले, मलाइका के जुमले, अजन्ना के जुमले, जनाब जबराइल पर लिए खड़े, इमाम हुसैन फरमाया जबराइल परों को हटाओ, इम्तिहान में कमी ना होने दो, जनाब जबराइल के परों को हटा रहे। इमाम हुसैन को मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें राज कुछ और है, हिकमत कुछ और है। इस हिकमत को समझने के लिए कुरान मजीद की आयत देखें, अल्लाह फरमाता है मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। अच्छा, अल्लाह को कर्ज़े हसना, अल्लाह तुम्हारे कर्जे का मोहताज, अल्लाह तुम्हारे पैसे का मोहताज, अल्लाह को कर्जा दोगे। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है
तुम में से जो भी अल्लाह की मदद करेगा, यंसुरकुमुल्लाह, इस तरह की आयतें मेरे जहन में नहीं है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, जो भी अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को साबित करेगा। अच्छा, अल्लाह की मदद, एक तरफ अल्लाह को कर्जा, एक तरफ अल्लाह की मदद, ये तो हमारे अकायद के खिलाफ बातें। अच्छा, इन बातों को मौला अली की खिदमत में पेश करें। हजरत नहजुल बलागा में इन्हीं दोनों आयतों का खुलासा करते हुए, वजाहत फरमाते हुए फरमाते, हजरत फरमाते मस्तक़रज़कुम मिन अज्ज, कि ये जो अल्लाह ने तुम्हें से कर्जा मांगा है आजिजी की बिना पे कर्जा नहीं मांगा है। वो मस्तनसरकुम लिज़्ज़ुल, ये जो तुमसे मदद मांगी है जिल्लत के बिना या कमजोरी की बिना पे मदद नहीं मांगी है, बल्कि यहां मोहताज मदद करने वाला है। ये जुमले पे याद रखिएगा, जुमलों पे गौर कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह वो इमाम हुसैन की आवाज है इस्तगासा, कि यहां मोहताज मदद करने वाला है, मदद मांगने वाला नहीं है। कि फिर खुदा ने मदद क्यों मांगी या फिर खुदा ने कर्ज क्यों मांगा, कि ना ही खुदा को कर्जे की जरूरत, ना ही खुदा को तुम्हारी मदद की जरूरत, बल्कि खुदा इन चीजों के जरिए तुम्हारे मकाम मरतबे को बुलंद करना चाहता है। अब जो हुसैन ने करबला में मदद मांगी, हुसैन को जरूरत नहीं है, लेकिन हुसैन हबीब जैसे लोगों का मकाम बढ़ाना चाहते हैं। हबीब जैसे लोगों का मकाम लोगों के सामने बताना चाहते हैं। अच्छा, और आसानी से समझाऊं, और आसानी से समझिए, मदद मांगी हुसैन ने, जाहिरी अल्फाज, मदद की किसने? हुर ने। हुर ने मदद की? हुर ने इमाम हुसैन की मदद की या इमाम हुसैन ने हुर की मदद की? हुर ने शबे आशूर हुसैन की मदद की या इमाम हुसैन ने हुर की मदद की? या और आसान करूं अल्फाज को, अरे वो हुर जो शाम तक लानतुल्लाह अलैह था, उसे हुसैन ने अलैहिस्सलाम बना दिया। अब जरा तसव्वुर करें, हुर ने मदद की या हुसैन ने हुर की मदद की? इमाम हुसैन ने हुर की मदद की, इमाम हुसैन ने हुर के मकाम को बुलंदो बाला किया, इमाम हुसैन ने हुर को अलैहिस्सलाम बनाया, इमाम हुसैन ने हुर को जन्नत का रास्ता दिखाया। हमसे अगर अहले बैत अतहार ने मदद मांगी है तो गोया हमारे और तुम्हारे मकाम को बुलंद करना चाहते, वगरना अहले बैत को, अहले बैत को हमारी कोई जरूरत नहीं है। हमसे मोहब्बत की वजह से हमारे और तुम्हारे मकाम को बुलंदो बाला, इमाम हुसैन को रोने वाले की कमी नहीं है। अरबात आलाफ मलकिन इंद कब्रिल हुसैन शुअसुन व गुब्रुन, कहते 4000 मलाइका हुसैन की सिर्फ कब्र के पास, 70,000 फला जगह, 80,000 फला जगह, 1,00,000 मलाइका फला जगह, 4,000 मलाइका सिर्फ हायर में कब्र के पास। उनकी हालत क्या है? हमारी और आपकी हालत है शुअसुन व गुब्रुन, कहते हैं उनके कपड़ों पे मिट्टी पड़ी हुई है, गुबार पड़ा हुआ है, कपड़े फटे हुए, सर खुला हुआ है। इस हालत में 4,000 मलाइका यबुकून अलल हुसैन इला यौमिल कयामा, इमाम हुसैन की कब्र के आसपास बैठे इमाम हुसैन पे क्रिया कर रहे हैं। कब तक? एक दिन के लिए, दो दिन के लिए? कहते इला यौमिल कयामा, कयामत तक हुसैन पे क्रिया फरमा रहे। इमाम हुसैन को गिरिया करने वालों की ज़रूरत नहीं है, ये तो इमाम हुसैन का करम है, इमाम हुसैन की आता है, जो हमारे इन कलील और मुख्तसर आंसुओं को अपने रोमाल में, अपनी माँ सैयदा के रोमाल में जगह अता फरमा रहे, वगरना हमारे आंसू कहाँ इस लायक जो इमाम हुसैन के जख्मों का मरहम बने। ये मौला का करम है, खुदा की कसम ये मौला का एहसान है, जो हमारे दिलों में एक ऐसी मोहब्बत डाली कि आज जब भी हमारे सामने नाम हुसैन आता है आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये खुद मौला मुत्तकियान के, खुद मौला इमाम हुसैन के जुमले हैं। मुझे करबला का अगर सबसे सख्त इमाम हुसैन की मजलूमियत पे कोई जुमला लगता है तो वो खुद इमाम हुसैन का जुमला है। अहले बैत की जितनी भी शख्सियतों को आप उठा के देखेंगे, ये लोग शहादत का शौक रखते थे, शहादत का शौक रखते थे। मरते वक्त जब भी किसी शहीद का भी वाकया हमारे सामने आता है ना,
तो शहीद की फजीलत बयान की जाती है, वो कहा जाता है कि शहीद जब आखिरी लम्हात उसे गोली मारी गई या उसके गर्दन पे तलवार रखी गई तो वो मुस्कुरा रहा था, या वो ऐसा कर रहा था, या वो ऐसे ऐसे जवाब दे रहा था। न जाने इमाम हुसैन जो आले मोहम्मद का चश्मो चराग और इतना सब्र तहम्मुल और इस मंजिल मकाम पे फाइज शख्सियत पे कैसे कैसे जुल्म हुए जो इमाम हुसैन इस मकाम तक पहुंचे। और हजरत ने ये जुमले फरमाए, हजरत ने फरमाया अना कतीलुल अबरा, मैं एक ऐसा कतील हूं जिसे रुला रुला के खुदा की कसम ये जुमले पास औकात अगर इन जुमलों को तसव्वुर करें, आले मोहम्मद के शहदा इमाम फरमाते मैं कैसा कतील हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। ला यज़कुरुनी मोमिनुन इल्ला बका, किसी भी मोमिन के सामने मेरा नाम नहीं आएगा मगर ये कि वो मेरी मजलूमियत पे रोएगा, मेरी गुर्बत पे रोएगा। हुसैन की गुर्बत देखनी है इमाम हुसैन, ये जो जनाब अली असगर का किस्सा हम पढ़ते ना कि जनाब अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। किसी ईरानी खतीब के बड़े अच्छे जुमलात हैं कि जनाब अली असगर ने अपने आप को झूले से नहीं बल्कि खुद इमाम हुसैन खेमे में गए कि मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अभी असगर की कुर्बानी बाकी है, अभी असगर की कुर्बानी बाकी है। किसी खतीब के मशहूर मारूफ जुमलात के जब भी कोई बादशाह एक खत लिखता है, उस खत में तमाम चीजें लिखने के बाद आखिर में वो बादशाह एक मोहर लगाता है ताकि जहां खत भेजना है उसे ये मालूम हो कि ये खत फला की जानिब से है। कि तो रोजे आशूरा हुसैन इब्ने अली ने पूरा खत शहादत लिखा, आखिर में मोहर बाकी थी, अली असगर को आया अपने हाथों में लिया, अली असगर के गले पे तीर लगा, ऐ मेरे परवरदिगारा ये हुसैन की मोहर है। ऐ मेरे परवरदिगारा ये हुसैन की आखिरी कुर्बानी कबूल कर। जनाब अली असगर को पानी की गरज से लाए थे, इमाम हुसैन की इंतहा मजलूमियत की। इमाम हुसैन ने पहले पानी का सवाल किया कि अगर तुम्हें ये लगता हो कि मर्द पी लेंगे तो ठीक है, मैं इस बच्चे को इस जलती हुई जमीन पे रखे दे रहा हूँ, खुद तुम में से कोई आ जाए जो इस बच्चे को पानी पिला दे। मक्तल के जुमले हैं, आवाज आई ऐना ऐना हुर्मुला इख्ता कलाम हुसैन, अरे हुसैन के कलाम को कत्अ कर दे। एक ऐसा मकाम हुसैन इब्ने अली के लिए, ना वो मकाम अली अकबर की शहादत पे, ना वो अब्बास की शहादत पे। मक्तल के जुमले हैं, हुसैन ने जब अली असगर के लाशे को देखा खेमे का रुख किया, अरे ये हुसैन खेमे जाए तो कैसे जाए। अबा के दामन में असगर को छुपाया, खेमे के दरवाजे पे पहुंचे, कभी आगे बढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कभी पीछे आते हैं कभी आगे जाते हैं। मक्तल के जुमले हैं, जनाब रबाब खेमे से निकली और एक नन्ही बच्ची भी खेमे से निकली, आवाज दी अरे मेरे पापा असगर को पानी पिला लाए, पापा मैं प्यासी हूँ। जैसे ही सुनना था रबाब को शक हुआ ये हुसैन दामन में कुछ छुपा रहे हैं, अब क्या देखती है दामन से खून के कतरा टपके, दामन को खोला ऐ रबाब ये तेरा असगर है, अरे जालिमों ने पानी के बदले से शोभा तीर गर्दन पे चलाया, अरे असगर को से शोभा तीर से न الا لعنه الله على القوم الظالمين انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार इमाम ए ज़माना अज्जल अल्लाह तआला फरजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा।
परवरदिगार हम सबको मौला के आवान व अंसार में शुमार फरमा। परवरदिगार हम सबको तौफीक मारिफत इमाम ज़मान अता फरमा। परवरदिगार हम सबको तौफीक मारिफत अहले बैत अतहार अता फरमा। परवरदिगार तमाम शियान हैदर कर्रार की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार उलमाए हक मराजईन किराम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। परवरदिगार मराजे किराम की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम परचम तशय्यो को बुलंद व बाला फरमा। परवरदिगार परचम तशय्यो को इमाम ज़माना के ज़हूर से मुलहक़ व मुत्तसिल फरमा। परवरदिगार जहाँ कहीं भी शियान हैदर सफदर उलमा खुतबा ज़ाकिरीन शुरा इन सब की हिफाजत फरमा। जो भी मरहूमीन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा। اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما تمي حسين